हमारी शादी को वो जादूगर ले गया। अब फिर तो पता पूछना ही पड़ेगा। हाँ, पूछना ही पड़ेगा। नाम क्या है? हमारे महाराज को कौन ले गया? श्यालू महाराज। श्यालू महाराज कहाँ? कामरू देश में। ये कहाँ है? ये वही जादुई अंगूठी और गुना राक्षस। इसे हासिल करना चाहिए। टिंगू, तो फिर वो लंबू कौन था? महाराज, ये वही जादूगर था जो श्यामगढ़ की राजकुमारी को उठाकर ले गया। तो फिर मेरी पुत्री का क्या होगा? मेरी पुत्री का क्या होगा? घबराइए नहीं महाराज, उसे हम छुड़ा कर ले आएंगे। यह है इंसानी रूप में तुम्हारी मौत। यह है हमारी मौत? अरे भैया, यह हम कहां फंस गया? भैया साधु महाराज, आदेश सुरेल, आदेश। आदेश बच्चा, आदेश। सिपाही की चढ़ती रहे और जमादार के बढ़ती रहे। गुरुदेव इस वक्त मौज में है। जिस तरफ बहक गए सो बहक गए। जो मांगना है बच्चा मांग ले। बच्चा डिगमर, महाराज इन्हें भी प्रसाद दो। जो आज्ञा गुरुदेव। लो बच्चा प्रसाद, भगवान का नाम लेके प्रसाद। लो बच्चा आज्ञा। आता हूँ गुरुदेव, आता हूँ। धन्य हो, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो देव। भैया मुझे तो नींद आ रही है। मुझे भी ऐसे ही आ रही है। गुरुदेव हम लोग थोड़ी देर यहाँ सो ले। थोड़ी देर क्या, तुम हमेशा के लिए सो सकते हो बच्चा। महाराज ये लोग तो गए, तो फिर देर किस बात की? उठाओ अंगूठी और आईना सटा। सीताराम है ये? क्या कौन? मेरी पुत्री रंभा। ये कौन सी नई आफत है? बेशक वही है। तुमने ये क्या किया है रंभा? जानती हो ये कौन है? हाँ, ये वो है जिसके हाथों से देवी ने मेरी माता की मौत बताई थी। फिर तुमने इसे क्यों बचाया? माता जी, जो मेरी माता के लिए मौत बनकर आया था उसको मैं इस तरह आसानी से न मरने दूंगी। आप इसको मेरे हवाले कीजिए, मैं इसे तरसा तरसा कर मारूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम मेरा दुख अपना दुख समझोगी, परंतु यह बड़ा चालाक है। माता जी, मैं भी आपके चरणों के प्रताप से कुछ कम नहीं। ये मुझसे क्या चालाकी करेगा? अच्छा, इसे ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके इसका सर काट कर मेरे पास भेज दो, ताकि मैं इत्मीनान का सांस ले सकूं। ऐसा ही होगा माता जी। रांगा, ये तुमने क्या किया? क्यों? हर चीज अपनी असलियत की तरफ जाती है। मगर मुझे अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है। मगर मुझे नहीं। भैया ये जगह बहुत ही भयानक मालूम होती है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? खैर कोई बात नहीं, बुलाओ ना उस बोने को। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। भैया धोखे को धोखा दे गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आईना तो है अपने पास। हाँ तो चलो चलो। है तेरी की। तुम्हारा नाम? सुंदर। श्यालू महाराज आ रहे हैं। अच्छा, माफ करना। क्यों पापी, तू ही मेरी माता को मिटाने के लिए घर से निकला था? अरे कौन? श्यालू महाराज। रंभा देवी, अगर ये नाजुक कलाइयां थक गई हो तो मैं कुछ मदद करूं? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने माता के शत्रु को खुद मिटाऊंगी। अरे तो गुस्से में तुम कितनी सुंदर मालूम होती हो। तुमने फिर वही मजाक शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्यों आए? अभी नाराज ना हो, मैं तो इसलिए आया था इसका सर काट कर जल्द से जल्द रांगा देवी के पास भिजवा लो। तुम यहाँ से जाओ, मैं भेज दूंगी। अच्छा
चाहता हूं तुम इस आग को क्या जानो। अगर सच्चा प्रेम न होता तो शामगढ़ की राजकुमारी शोभा सुंदरता में रंभा से कहीं ज्यादा। सच्चा प्रेम सुंदरता को नहीं देखता है सियालू। तुम खुद समझदार हो। रंभा देवी की जय हो। रंभा देवी ने शत्रु का सर भेजा। मेरे शत्रु का सर मेरे चरणों में। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है सियालू। ये तो मेरा फर्ज था। मगर हाँ रंगा देवी, अब हमारा लगन। घबराओ नहीं, पूर्णमासी के दिन जवान होते ही पहला काम तुम दोनों का लगन होगा। गुरुदेव भैया, भैया, अरे भैया भैया, नसीब की तरह तुम भी मुझे जंगल में छोड़ गए। अंगूठी आई ना, समझा तो ये वही थे, लेकिन बेटा असली तो छोड़ गए, नकली ले गए। से गुलाल हुए गाल लाल लाल, तेरी बहकी बहकी चाल बल खाने लगी। के ऐसी बार बार बंकी ने न करे वार, लगी जिया पे कटार जान जाने लगी। ओए उड़े नैनो से गुलाल, घटा हटा देखे हम भी तो भोला मुखड़ा तेरा। होय 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 सांवली सूरतिया से घटा हटा देखे हम भी तो भोला मुखड़ा तेरा। चल चल हट जा रे बाकी दिल में पिया, अखियों से जिया पे ना जा डूबो चला। ऐसी हो सूरतिया मोहिनी मूरतिया, फिर कैसे मन मामा चल जाए ना। ऐसे दिल ना उछाल जरा खुद को संभाल, लगी जिया की कमाल दिखलाने लगी। ऐसे बार बार बांके ना करे वार, लगी जिया पे खटा जान जाने लगी। ओए उड़े नैनो से गुला जैसे बिजुरी। हाय नैया बोले कैसे कैसे बतिया, मेरी तेरे दिल की नियत है बुरी। ओए ऐसे जो निखर के निकलो समर के, फिर कैसे नियत बदल जाए ना। जब से सैया बेईमान बना दिल का महल।
लाल हुएगा हल्ला हल्ला तेरी बहकी बहकी चाल बल खाने लगी मिलके ऐसे बार बार बातें नैना करे दिया पे जान जाने लगी ओए उड़े नैनो से गुलाल मानोगंज जाओ देखो अरे ये तो अपनी तरफ आ रहे हैं निकालो आईना हाँ मेरा आईना अभी लो भैया ये लो आ, आ, क्या बात है मिलती लोग और यहाँ तक ले जाओ इन्हें तहखाने में डाल दो आखिर वो कौन है जिसकी याद तुम्हारे दिल से नहीं मिटती वो जिसकी नजरों ने मुझे इतना साला बना दिया है उसका नाम श्याम घर की राजकुमारी शोभा शोभा जिसे सियालू महाराज उठा कर लाए हैं क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो वो जो बेचारी चार दिन की मेहमान उसका पता पूछ कर क्या करोगे रंबा जानती हो एहसान क्या चीज है एहसान मुसीबत का दरवाजा दौलत और इज्जत को खा जाने वाला रास्ता नहीं नहीं रंबा सुनो क्या एक बार हम मुसीबत के मारों को मिला सकती हो हर काम लालच से किया जाता है जो खुद तुम्हारी दया का भिखारी हो वो तुम्हें क्या लालच दे सकता है मैं धन दौलत रंबा मैं किसी की अमानत हूँ आज उसको धोखा दो कल तुम मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़ दो लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी सेवा करने का मौका दो रंबा मेरी शोभा किसी के उपकार को भूलने वाली नहीं यही उम्मीद अब मेरी जिंदगी का सहारा बनेगी मैं अपनी जान देकर भी तुम दोनों को मिलाऊंगी मगर वो है कहाँ मेरी माता की कैद में मैं तुम्हें तिलिस्मी हार देकर रास्ता बताती आ मेरे साथ ये लो तिलिस्मी हार इसे पहनकर तुम दुनिया की नजरों से गायब हो सकते हो लेकिन वो बोलती मैं ना पहले शोभा को लेकर आओ जब तक तुम नहीं आओगे मैं तारे गिनती रहूंगी अच्छा ये चला
में से कहो कोई ऐसा नगमा सुनाए जिससे इंतजार की घड़ियां कट जाए। खुशी देख रहा था। आह, धोखा देख लिया तुमने। रंभा तेरी जात से उम्मीद न थी, गई ना अपनी जात पर। सियालू जाओ, आज से तुम रंभा के जान के मालिक हो और मैं इसका खात्मा अभी किए देती हूँ। जाओ रंभा, आज से तुम आजाद। चुप। किस बात का? एक भेड़िया और इतना रहने। पत्थर के जिगर में नहीं मोहब्बत की आग है रंभा। सच्चा चाहने वाला जिसको चाहता है उस पर जुल्म नहीं कर सकता। जब तुम मुझे इतना चाहते हो तो फिर शोभा को क्यों लाए थे? तुम्हें हासिल करने के लिए। मुझे मालूम हो चुका था कि रांगा देवी को अमर होने के लिए शोभा की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं शोभा को देकर तुम्हारी पालक माता से तुम्हें मांग लूंगा। पालक माता? हाँ। क्या रांगा देवी मेरी माँ नहीं है? नहीं। अच्छी बात है, तो फिर मैं किसकी पुत्री हूँ? जानना चाहती हो तो सुनो, तुम सुंदरपुर के महाराज अर्जुन सिंह की पुत्री हो जिसे रांगा देवी अपने बांझपन का कलंक मिटाने के लिए बचपन ही में तुम्हारी माता से तुम्हें छीन लाई थी और त्रिस्मी दुनिया में अपनी पुत्री जताकर पाला है। तभी उसने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी का सौदा किया है। बेशक रंभा। क्या तुम बता सकते हो मेरे माता पिता किस हाल में हैं? अफसोस कि माता तो तुम्हारी जुदाई में रो रो कर उसी वक्त मर गए, लेकिन पिता आज तक तुम्हारी याद में तड़प रहा है। महामैया मेरी रक्षा करना। अगर मेरी सेवा की जरूरत हो तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन इतना ना भूलो रंभा कि औरत अपनी सेज पर एक फूल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्वप्न का कैसे कर सकती है। तुम्हारा इशारा शोभा की तरफ है। बेशक रंभा, तुम भी एक औरत हो, अगर तुम्हारी सेज पर बस, तो समझ लो
जो सुंदर शोभा के कारण यहाँ तक आया है वो उसे छोड़कर तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश की, ये मेरी फूल थी। अब मुझे अपने माता पिता का बदला लेना ही होगा। मैं एक शर्त से अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकती हूँ। मैं हर शर्त के लिए तैयार। तो फिर मैं रांगा देवी से अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हूँ। उसने हमारा घर बर्बाद किया, मेरे माता पिता को बर्बाद किया, मुझे बर्बाद किया। तुम जो चाहो कर सकती हो रंभा। कौन भीत सिंह? हाँ कमलो। कौन है ये? पकड़ो इसे। आओ बेटे। भैया सुंदर सिंह चलो भाग के ले। हाँ चलो। कौन रंभा? हाँ रंभा, मुझे आज पता चला है कि तू मेरी माता नहीं नागिन। तुमने अपना दिल ठंडा करने के लिए तीन जीवन बर्बाद किए। मैं अपनी बर्बादी और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए ही अपनी जिंदगी का चालू से सौदा किया है। ये सौदा मैं जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यहाँ का छुपा है सुंदर सिंह? मैं कुछ दिल नहीं, अब मेरे दिल में जीने की कोई तमन्ना नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। प्रेमी प्रेमी के दुख को अच्छी तरह जानता है सियालू, क्या तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो? क्यों नहीं, मेरी शोभा कहाँ है? लो देखो ये निकाली, मक्कारों का वार चल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए सर? घबराओ नहीं, ये तिलिस्मी चीजें मेरे किसी काम की नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ कि पलक झपकते ही तुम वहां पहुंच जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मुझे इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। शेर सिंह, मैंने हर पाप में तुम्हारा साथ दिया है, मगर तुम्हें एक अबला नारी की लाज लूटने नहीं दूंगा। बहादुर सिंह, तुम मेरे रास्ते का कांटा ना बनो, वरना मौत के देवता पर भेंट चढ़ा दूंगा। तू और मुझे भेंट चढ़ाएगा? हाँ। ले। देखता हूं अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है। तुम महाराज को लेकर आओ, मैं तब तक इसकी मरम्मत तक बहुत। पिताजी, अगर सुंदर ना होता तो नमक हराम शेर सिंह ने मेरी लाज। नमक हराम को अपनी कटौतों का फल मिल गया। महाराज शाहबाज सुंदर सिंह, शाहबाज रुवर सिंह, वो बोने को बुलाओ। अजी जी, अभी बुलाता हूँ। ये जारी अंगूठी, ये बोना राक्षस और ये बोलती मैना, जो बीते दिन और आने वाले समय की खबर देती है। धन धन है सुंदर सिंह, धन। सुंदर सिंह, हम भी अपनी शर्त के मुताबिक शोभा का हाथ तमाम उम्र के लिए तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। अरे भी इन बच्चों में हमारा क्या काम, क्या काम? चलो आओ आओ, शादी की तैयारियां कर। शोभा,
अब यहाँ तुम्हारा क्या काम है? इतनी मेहनत का यही फल? अरे बारी किस्मत।